हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी। हम यहां पर कर रहे थे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, है ना। इस सीरीज में हम लोगों ने जो डिफरेंशियल वाला जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसमें सिर्फ एक ही टॉपिक हम लोग और करना है, वो है मैक्सिमम मिनिमा का। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस से, और इस टॉपिक में हम लोग करने वाले हैं मल्टीपल इंटीग्रल्स को। आज के इस वीडियो में हम लोग जो बेसिक पार्ट है मल्टीपल इंटीग्रल्स का, हाउ टू इवेल्युएट, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे सिलेबस में डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल ही है, तो हम लोग आज करेंगे हाउ टू इवेल्युएट डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। इसको करने के बाद जिसके अदर टॉपिक्स होंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ मेरे इस वीडियो पे बिल्कुल लास्ट तक, है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, लोगों तक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल इंटीग्रल्स। ओके, तो मल्टीपल इंटीग्रल्स मैंने पहले ही बताया कि हम लोगों को करना है सिर्फ इसमें से डबल इंटीग्रल करना है, डबल एंड हम लोगों को करना है ट्रिपल इंटीग्रल, ठीक है। तो डबल इंटीग्रल करने के लिए कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो मैं थोड़ा सा एक बेसिक यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ किस तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे। कि मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे कोई एक डोमेन डी है ना। इस डोमेन में हमारा एक फंक्शन एफ एक्स वाई डिफाइन किया गया है, है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, इस अपने डोमेन को हमने पार्टीशन में डिवाइड कर लिया, ठीक है। पार्टीशन में हमने क्या किया, डिवाइड कर लिया। अब इस एक पार्टीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा एक पार्टीशन है पी आई, जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे एक्स आई वाई आई, ठीक है। हमने क्या किया, एन पार्टीशन में डिवाइड कर लिया। इस एक पार्टीशन हमारा ये पॉइंट है पी आई, जिसके जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स आई वाई आई। अब इस पॉइंट पी पर एफ की जो वैल्यू है That is FPI, वो क्या है FPI। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से सारे coordinates के लिए हम यहाँ पर function की value निकाल लेंगे और क्या कर देंगे, इसका sum ले लेंगे n, क्योंकि हमने यहाँ पे n division किए हुए हैं, n तक का sum ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, F of PI आ जाएगा इंटू, ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा डेल्टा PI, क्या आ जाएगा डेल्टा PI आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा पी आई का मतलब यहाँ पे हम इस तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जैसा कि मान लेते हैं कि इस स्मॉल जो ब्रैकेट है इसका एरिया अगर हमारा कितना है, डेल्टा एक्स आई इंटू डेल्टा वाई आई, ठीक है। या फिर हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा एस आई, मतलब इस सरफेस का एरिया की अगर हम बात करें, छोटे से पार्ट के एरिया की बात करें, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा एस आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम क्या करें, यहाँ पे इस सम को हम क्या करें, एन टेंस टू इन्फिनिटी करा दें, यहाँ पे क्या करें, इस सम को एन मतलब इस सम की जो लिमिट है उसको इनफाइनाइट तक टेंस करा दें, तो ये जो हमारा सम है ये कन्वर्ट हो जाता है डबल इंटीग्रल में ओवर दिस रीजन, यानी डोमेन डी। ये हमारा जो फंक्शन है इट विल बी नाउ बिकम्स एफ एक्स वाई, और ये जो डेल्टा एस आई है ये हमारा बन जाएगा डी एस, ठीक है। ये जो हमारा डेल्टा एस आई है ये हमारा बन जाएगा डी एस, ठीक है। तो क्या किया हमने, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, कि हमारे पास कोई एक यहाँ पे डोमेन डी था, है ना। इसमें क्या था, एक फंक्शन एफ एक्स वाई डिफाइन था, हमने इस डोमेन के एन पार्टीशन किए। अब एक पार्टीशन का जो एरिया था हमारा डेल्टा एक्स आई डेल्टा वाई आई होगा, है ना। अगर ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा वाई आई है ना, इसका एरिया डेल्टा एक्स आई इंटू डेल्टा वाई आई, और इस रीजन में जो फंक्शन की वैल्यू थी वो एफ एक्स आई, है ना, वाई आई, यानी कि एफ पी आई है। पी आई मतलब पॉइंट है एफ एक्स आई वाई आई। हमने क्या किया, इस एफ पी आई इंटू डेल्टा एक्स आई वाई आई लिखा, और फिर क्या किया, इस पूरे रीजन के लिए हमने सम ले लिया, मतलब एन पार्टीशन किए थे सब में हमने ये मल्टीप्लाई निकाला, सबको ऐड कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, लिमिट करा दी एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये जो रिजल्ट है वो हमारा क्या हो गया, एज एन इंटीग्रल आ गया। अब यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा डीएस होगा, ठीक है, अब अगर हम एक्स वाई प्लेन में डील कर रहे हैं तो ये डीएक्स डी वाई हो जाएगा, YZ प्लेन में है तो dy dz हो जाएगा, ठीक है, ZX प्लेन में है तो dz dz dx हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये ds डिफाइन होगा। पर यहाँ पे हम लोग क्या करने हैं, डबल इंटीग्रल है तो हम लोग बेसिकली एक्स वाई प्लेन के लिए लेके चलेंगे। तो हम अभी इवेल्युएट करने जा रहे हैं इंटीग्रल एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है। अब यहाँ पे हम तीन तरीके के डबल इंटीग्रल इवेल्युएट करेंगे। एक तो है ना, अब इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स वाई की लिमिट चाहिए। तो एक्स वाई की लिमिट के बेस पे हम इंटीग्रल को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे।
पहले पार्ट्स में क्या होगा, अगर हमारी लिमिट जो है वो कांस्टेंट है, ए टू बी सी टू डी एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ठीक। तो अगर हमारे दोनों लिमिट कांस्टेंट्स हैं, एक्स और वाई दोनों की लिमिट अगर कांस्टेंट्स है, तो यहां पे ऑर्डर जो होगा वो मैटर नहीं करेगा, हम किसी के रिस्पेक्ट में भी पहले से पहले इंटीग्रेट करा लेंगे, फिर हम अदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा लेंगे। तो यहां पे जैसे मान लीजिए कि हम इसको पहले इसके लिए इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो क्या होगा जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है। फिर जब इसको इवेल्युएट कर लेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी इस इंटीग्रेंट की, इंटीग्रल की, उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। मतलब पहले हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर लेंगे, फिर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। और हम इसको क्या कर सकते हैं, मतलब हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, सी टू डी कर सकते हैं, ए टू बी कर सकते हैं, एफ एक्स वाई डी वाई एंड डी एक्स, ऐसे भी करके हम इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। तो अगर हमारी दोनों लिमिट कांस्टेंट है, दोनों लिमिट कैसी है, कांस्टेंट है, तो हम इंटीग्रल को चाहे तो एक्स के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कर ले, चाहे तो वाई के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कर ले, ठीक है। दूसरा केस ये बनेगा कि अगर हमारी एक लिमिट कांस्टेंट है और दूसरी लिमिट जो है वो इन टर्म्स ऑफ मतलब वेरिएबल है, किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में है, जैसे ए टू बी हमें गिवन है एंड ये गिवन है वाई वन एक्स वाई टू एक्स, और यहां पे हमारा क्या होगा एफ एक्स वाई होगा डी एक्स डी वाई दिया गया है, ठीक है। तो यहां पे देखो वाई वन एक्स मतलब ये लिमिट तो इन टर्म्स ऑफ एक्स होगी, लिमिट किसके टर्म्स में होगी, एक्स के टर्म्स में होगी, बट एक्चुअली वो लिमिट होगी वाई की। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, अगर हमारी लिमिट इन टर्म्स ऑफ एक्स दी है तो। तीसरा केस ये है कि अगर हमारी लिमिट सी टू डी है और यहां पे एक्स वन वाई और एक्स टू वाई दिया है, मतलब लिमिट हमारी इन टर्म्स ऑफ वाई दी गई है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इन टर्म्स ऑफ एक्स इंटीग्रेट कर लेंगे, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये तीन तरीके से हम लोग डबल इंटीग्रल को इवेल्युएट करेंगे। कैसे करेंगे, अगर दोनों कॉन्स्टेंट है तो हम किसी को भी पहले इंटीग्रेट कर सकते हैं, चाहे तो वाई के रिस्पेक्ट में, चाहे तो एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर हमारा यहाँ पे एक लिमिट हमारी x के टर्म में है और दूसरी कांस्टेंट है, तो पहले हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे फिर x के रिस्पेक्ट में। अगर एक लिमिट हमारी y के टर्म में है और दूसरी कांस्टेंट है, तो पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए तीनों केसेस पे हम लोग एक एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, फिर हम लोग ट्रिपल इंटीग्रल का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो यहां पे हमारे पास एक प्रॉब्लम है 0 टू 4 एंड हमें गिवन है 1 टू 2 डी एक्स डी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये प्रॉब्लम हमको गिवन है, ठीक है। 0 टू 4 है, 1 से 2 है, डी एक्स डी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर है। अब यहां पर देखो दोनों लिमिट कांस्टेंट है, क्या है, दोनों लिमिट कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, चाहे तो इसको पहले x के रिस्पेक्ट में कर ले, चाहे तो y के रिस्पेक्ट में कर ले। तो मान लेते हैं इसको पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 0 टू 4 1 टू 2 dx अपॉन x प्लस वाई होल स्क्वायर एंड फिर यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, dy आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो अब हम अगर x के लिए कर रहे हैं तो y हमारा एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, y हमारा क्या होगा, एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा। तो क्या हो जाएगा, ये 0 टू 4, ठीक है, ये हमारा हो गया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इट्स लाइक कि x प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ, y कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस, है ना, 2 अपॉन, ये हो गया x प्लस वाई टू पावर माइनस 2, तो माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस 1 अपॉन x प्लस वाई, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस 1 अपॉन x प्लस वाई, और यहां से लिमिट हो जाएगी 1 से 2 और ये रहेगा dy, ठीक है। हमने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है, तो ये लिमिट जो होगी वो x के प्लेस पे पुट की जाएगी, है ना, यहां पे अगर हम ds लिया हुआ है तो ये लिमिट जो होगी वो x के लिए लिमिट होगी। तो जरा यहां पे हम x की लिमिट अगर रख देंगे तो 0 टू 4 हो गया, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन, है ना, 2 प्लस वाई, एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई, और इस पूरे के साथ में हो जाएगा मेरा dy, ठीक है। अब क्या कर देंगे हम लोग इसको y के रिस्पेक्ट में
इंटीग्रेट कर देते हैं, तो माइनस हमारा हो गया कॉमन, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 प्लस वाई इंटू डी वाई 0 टू 4 एंड प्लस 0 टू 1 सॉरी 0 टू 4 1 अपॉन 1 प्लस वाई इंटू डी वाई। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग 2 प्लस वाई, ओके, और इस पर लिमिट क्या होगी 0 टू 4 होगी, प्लस यहां पे भी लॉग 1 प्लस वाई एंड इसकी भी लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू 4 हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से हमारे पास क्या बच रहा है, यहां से हमारे पास बच रहा है 4, जो हमने यहां पे लिमिट अप्लाई कर दी तो ये हो गया माइनस लॉग 2 प्लस 4 हो गया 6 एंड माइनस माइनस ये हो गया प्लस, यहां पे ने y 0 रखा हम लोगों ने, क्या रखा यहां पे y 0, तो ये हो गया लॉग 2, सेम चीज यहां पे आएगी प्लस लॉग 5 हो गया ये एंड माइनस लॉग 0 रखने पे लॉग 1, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो देखो यहां पे लॉग के रूल से हम लोग इसको लिख सकते हैं लॉग 5 इंटू 2 अपॉन 6, प्लस वाले मल्टीप्लाई में चले जाते हैं लॉग के साथ, माइनस वाले डिवाइड में, और ये हमारा 0 हो गया, तो बेसिकली ये आ गया लॉग 10 अपॉन 6 मतलब 5/3, तो हमारा आंसर आ गया लॉग 5/3। तो इस तरीके से डबल इंटीग्रल हम लोग कर लेंगे जब हमारी लिमिट्स क्या होंगी, कॉन्स्टेंट होंगी। तो जो लोग भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हो या देखे, वो क्या करे, हमने यहाँ पे पहले डीएक्स को लेकर के इंटीग्रेट किया हुआ है, आप लोग एक बार पहले डीवाई को लेकर के इंटीग्रेट करना, देखना हमें सेम आंसर मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक्चुअली आंसर में थोड़ा सा डिफर आ रहा है, उन्होंने कोई मिस्टेक की है क्या, तो 1 से 2 ये माइनस पर जाएगा, माइनस 2+1 अपॉन माइनस 2+1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, यहाँ पे हमने 2+y रखा तो प्लस हो गया 1/y। ठीक है, 1/y हो गया लॉग 2+y और ठीक है, तो माइनस 6 हो गया ये हमारा प्लस लॉग 2 हो गया और यहाँ पे लॉग 5 हो गया माइनस लॉग 1 हो गया, तो ठीक है मेरे हिसाब से तो ठीक आ रहा है। चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं जरा, है ना, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो प्लीज रीचेक द कैलकुलेशन एंड देख लेना उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to π 0 to x, ठीक है, एंड क्वेश्चन इज एक्स साइन वाई इंटू डी वाई डी एक्स। ठीक, अब यहां पर देखो, यहां पे एक लिमिट कॉन्स्टेंट है और दूसरी लिमिट जो है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स है, तो अगर यहां पे लिमिट इन टर्म्स ऑफ एक्स गिवन होगी तो सबसे पहले हम इसको वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो जब वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स हमारा एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 to π। अब एक्स हमारा कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, ये हो गया 0 to x साइन वाई इंटू डी वाई डी एक्स। ठीक है, साइन वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस वाई, है ना, साइन वाई का इंटीग्रेशन माइनस कॉस वाई, तो माइनस यहां पे आ गया, ये हो गया कॉस वाई और इसके साथ पे लिमिट है 0 to x। ठीक है, एंड डी एक्स इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, माइनस 0 to π एक्स कॉस एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये हो गया माइनस 0 to π एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करने के हम लोग क्या करेंगे, बाई पार्ट्स लगा लेते हैं, फर्स्ट पार्ट में 0 to π एक्स कॉस एक्स एंड माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 0 to π, है ना, और ये क्या हो गया एक्स डी एक्स। ठीक, अब इसमें बाई पार्ट्स अगर हम लोग लगा लें, यूज कर लें, तो ये क्या बन गया हमारा, ये हो गया माइनस फर्स्ट, है ना, इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स, फिर ये हो गया प्लस, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स हो गया, और यहां पे लिमिट आ जाएगी 0 to π और यहां पे भी लिमिट 0 to π इंटू डी एक्स, और ये आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट होगी 0 से 0 to π। ठीक है,
माइनस एक्स साइन एक्स हो गया इसके लिए, ये एक्स साइन एक्स हो गया और ये प्लस हो गया, वन हो गया एक्स का, कॉस एक्स का हो गया साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसके बाद हम लोग क्या कर ले, इस पे लिमिट साइन लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन पाई होता है जीरो और ये जीरो पे जीरो, तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये आएगा कॉस पाई, ठीक है, एंड कॉस पाई के हम लोग कॉस एक्स सॉरी कॉस एक्स पे लगाएंगे जीरो टू पाई, ये आएगा पाई स्क्वायर बाई टू। यहां पे देखो कॉस पाई होता है माइनस वन एंड ये होता है कॉस जीरो, क्या हो जाएगा कॉस जीरो होता है वन, तो ये हो गया कॉस पाई माइनस कॉस जीरो प्लस पाई स्क्वायर बाई टू, तो ये हो जाएगा माइनस वन माइनस माइनस टू प्लस पाई स्क्वायर बाई टू, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, माइनस टू प्लस पाई स्क्वायर बाई टू, ठीक। तो इस तरीके से अगर हमें लिमिट इन टर्म्स ऑफ एक्स दी गई है तो पहले हम वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, देन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। सिमिलरली हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें हमारी लिमिट इन टर्म्स ऑफ वाई गिवन हो हमें और दूसरी लिमिट जो कॉन्स्टेंट हो, तो उसको हम लोग किस तरीके से करेंगे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें है वन टू लॉग एट एंड जीरो टू लॉग वाई, और इसके साथ में है e टू पावर x प्लस वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है। अब यहां पर भी देख लो, एक लिमिट जो हमारे पास है वो है कॉन्स्टेंट और दूसरी लिमिट है इन टर्म्स ऑफ y। इन टर्म्स ऑफ y अगर हमें लिमिट गिवेन है तो पहले हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, देन उसके बाद इवेल्युएट करने के बाद इसको करेंगे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y। तो चलिए पहले हम लोग करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के करने के लिए y होगा कॉन्स्टेंट, तो वन टू लॉग एट e टू पावर y, ओके, एंड यहां पे जीरो टू लॉग y एंड e टू पावर x dx एंड इसके बाद dy, ठीक है। अब e टू पावर x का इंटीग्रेशन तो e टू पावर x ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा e टू पावर x रह गया और यहां पे लिमिट आ गई जीरो टू ln y log y इंटू dy। यहां पे क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो ये हो गया ln 8 है ना, ये हमारा log 8 है, ये e टू पावर y, यहां पे ये हो गया e टू पावर log y, e के साथ जब भी log आएगा कैंसिल होगा, ये सिर्फ आ जाएगा y, एंड जब जीरो अप्लाई करेंगे तो माइनस वन हो गया इंटू डी वाई। फिर से वही सीन, हम क्या करेंगे, हम अपने इंटीग्रल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, एक तो हमारा जीरो टू ln 8 है ना log 8 y एक्सपोनेंशियल y माइनस जीरो टू log 8 एंड y, और दोनों साथ में क्या रहेगा dy रहेगा, ठीक है, यहाँ पे e टू पावर y dy। अब देखो इसको हमें इंटीग्रेट करना है तो हम फिर से बाई पार्ट रूल यूज कर लेंगे, ठीक है, फर्स्ट पार्ट है ना एंड सेकेंड पार्ट इज एक्सपोनेंशियल वाई, यहां पे लिमिट हो गई जीरो टू एट एंड माइनस, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसका इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन, तो बेसिकली ई टू पावर वाई आ जाएगा, ठीक है, और जीरो टू एल एन एट, चलो इसको ऐसे कर लेते हम लोग कि एक हमारा यहां से आ जाएगा माइनस एक्सपोनेंशियल वाई यहां से आएगा और माइनस एक्सपोनेंशियल वाई यहां से आएगा, तो टू एक्सपोनेंशियल वाई हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी जीरो टू एल एन एट तक। अब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे है ना अप्लाई कराएंगे तो एल एन एट हो गया, यहां पे ये सिर्फ एट आएगा, माइनस कराएंगे तो जीरो ही हो जाएगा, ये यहां पे भी माइनस टू और ये हो जाएगा एल एन एट, अप्लाई कराएंगे हम लोग तो ये सिर्फ 8 आ जाएगा, 2 इंटू एट और ये माइनस यानी प्लस 2 हो जाएगा, तो बेसिकली कितना हो गया 8 एल एन एट माइनस 16 प्लस 2 यानी माइनस 14, तो कुछ इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको हम लोग, तो इस तरीके से हम लोग डबल इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हैं तीन केसेस में, अगर लिमिट्स हमारी दोनों लिमिट कॉन्स्टेंट हो, एक कॉन्स्टेंट एक इन टर्म्स ऑफ वाई हो, एक कांस्टेंट एक इन टर्म्स ऑफ एक्स हो, ये तीनों केस हम लोगों ने कर लिए। अब आते हैं हम लोग ट्रिपल इंटीग्रल पे, कि हम लोग ट्रिपल इंटीग्रल को भी किस तरीके सॉल्व करेंगे। तो लाइक जैसे हम लोगों ने डबल इंटीग्रल किया है, ठीक है, हम लोग इस तरीके से ट्रिपल इंटीग्रल भी कर लेते हैं। तो
कोई भी हमारे पास थ्री डायमेंशनल स्पेस है जिसमें एक्स वाई जेड तीनों इंक्लूड हो रहे होंगे, ठीक है। तो इसका हम लोग जो रहेगा तो ट्रिपल इंटीग्रल कुछ इस तरीके से रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है। लिमिट हमारी कुछ इस तरीके से होगी कि यहाँ पे तो हमारे पास कॉन्स्टेंट होगा ए टू बी होगा इस तरीके से, ठीक है। दूसरी लिमिट जो हमारी होगी वो एक्स के टर्म्स में होगी वाई टू एक्स, एंड तीसरी लिमिट जो हमारी होगी यहाँ पे हम वाई ना लिखें, वाई की जगह हम कोई फंक्शन यूज कर लें, वाई की जगह हम लोग यूज कर लेते हैं जी वन एक्स टू जी टू एक्स, एंड इसके बाद वाली जो हमारी लिमिट होगी वो एच वन एक्स वाई टू एच टू एक्स वाई, ठीक है। देखो कैसे इवेल्युएट करना हम लोग सीखेंगे कि हम लोग लिमिट को देख के पता लगाएंगे कि किसके रिस्पेक्ट में हमको पहले इंटीग्रेट करना है। तो अगर ये लिमिट हमारी इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई दी गई है, किसके टर्म्स में दी गई, एक्स वाई के टर्म्स में दी गई है, तो यहां से कौन सा वेरिएबल बच रहा है, सिर्फ जेड बच रहा है, इसका मतलब पहले इसको हम लोग कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है। फिर यहां से हमने जेड के रिस्पेक्ट में कर लिया, लिमिट अप्लाई कर दी, तो पूरा हमारा जो इंटीग्रेंड है कन्वर्ट हो गया इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, ठीक है। जब एक्स वाई के टर्म्स में होगा यहां पे हम चेक कर लेंगे कि हमारी लिमिट एक्स के टर्म्स में दी गई या वाई के टर्म्स में, अगर एक्स के टर्म्स में दी गई है तो हम पहले इंटीग्रेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, जब वाई के रिस्पेक्ट में कर लेंगे तो पूरा इंटीग्रेंड कन्वर्ट हो गया अब एक्स के टर्म्स में, और फिर हम क्या कर लेंगे इस एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे और लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं कोई रूल्स नहीं लिख रहा हूं, हमें ये लिमिट देख के पता कर लेना है कि हमें किसके रिस्पेक्ट में इसको पहले इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इस पे चलो एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से इस पे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन हमें गिवन है 0 टू 1, ठीक है, देन 0 टू x, देन 0 टू x प्लस y, ठीक है, और फंक्शन है हमारा x प्लस y प्लस z, एंड यहां पे क्या है dx है dy है और dz है, इस तरीके से हमें गिवन है, ठीक। तो पहली लिमिट हमारी किसकी है, पहली लिमिट हमारी कॉन्स्टेंट है, पता ही नहीं किसकी है, ठीक है, दूसरी से भी नहीं। हम यहां पे क्या करेंगे, इधर से इधर चलते हैं तब मेरे लिए ज्यादा आसान होगा। अब 0 टू x प्लस y दिया है, मतलब इसकी लिमिट में x और y दोनों आ रहे हैं, तो कंफर्म है कि ये लिमिट z की होगी। तो z की होगी मतलब क्या करने वाले, पहले इसको इंटीग्रेट करने वाले विद रिस्पेक्ट टू z। तो कैसे करेंगे, 0 टू 1, 0 टू x प्लस y, x प्लस y प्लस z dz एंड dy dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड करना है, मतलब एक्स वाई कॉन्स्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा 0 टू 1, 0 टू x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, हम जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर बाय 2, एंड लिमिट हम अप्लाई करेंगे 0 टू x प्लस y dy dx, ठीक है। अब क्या करना है, जेड की जगह एक्स प्लस वाई रख देते हैं हम लोग, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 0 टू 1, 0 टू x, यहां से x इंटू एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो गया ये, फिर यहां पे रख देते हैं हम लोग, तो ये बन जाएगा हमारा, है ना, वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर, वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और ये बन जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर बाई 2, और जीरो रखने पे सारा जीरो हो गया, इसके साथ में आएगा क्या डी एक्स डी वाई या डी वाई डी एक्स, ठीक है। अब ये तो हो गया 0 टू 1, 0 टू x, अब यहां देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, ये बन जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और एक x प्लस वाई का होल स्क्वायर बाई 2 पहले से मेरे पास है, तो फाइनली क्या बन जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस x प्लस वाई होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो ये बन जाएगा 3 बाई 2 x प्लस वाई होल स्क्वायर, 3 बाई 2 को कर लेते हैं कॉमन, 0 टू 1 को ऐसे ही रखते हैं हम लोग, 0 टू x ले लेते हैं, x प्लस वाई होल स्क्वायर ले लेते हैं, इंटू कर लेते हैं dy, और यहां पे लिख लेते हैं dx। dy हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये लिमिट हमारी अब इन टर्म्स ऑफ x है, तो अगर लिमिट हमारी इन टर्म्स ऑफ x है तो हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। अब y के लिए रिस्पेक्ट करेंगे, x कॉन्स्टेंट है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई टू पावर 3 अपॉन 3, तो ये हो गया 3 बाई 2, 0 टू 1, ये हो गया x प्लस वाई टू पावर 3 अपॉन 3, एंड लिमिट हम अप्लाई करेंगे 0 टू x इंटू dx, ठीक है। होप यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे,
वाई के प्लेस पे एक्स रख देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये वाई के प्लेस पे एक्स रख दिया अगर हमने, तो ये हमारा बन गया 3/2, और यहां पे लिमिट 0 to 1 है, ये बन जाएगा 2x³/3, ठीक है। माइनस यहां पे भी अगर हम 0 रख देते हैं वाई के प्लेस पे तो x³/3 into dx। ये जो बाई थ्री वाला टर्म है इसको हम लोग कॉमन कर लेते हैं, जब बाई थ्री वाला टर्म हम लोग कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 into 1/3, ठीक है। ये हो गया 8x³ - x³, 8x³ - x³ हो गया 7x³, 0 to 1, 7x³ into dx। अब इसको हम लोग इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं 7x³ को, तो ये हो गया 3/2 into 1/3, और ये हो गया 7x⁴/4 एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1। अप्लाई कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया, यहां हमने 1 रखा तो 7/4 आ गया, माइनस 0 पे 0 ही हो जाएगा, तो फाइनली हमारी लिमिट क्या आ गई, 7/8 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है ना, जो बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल के किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, वो आज हम लोगों ने इस वीडियो में देखे। इस ट्रिपल इंटीग्रल में कुछ हमारे पास इंटीग्रल स्पेशल टाइप के भी हैं, जैसे कि डिरिचलेट कंडीशंस के साथ है, उनको हम लोग डिरिचलेट इंटीग्रल्स बोलते हैं। फिर कुछ ऐसे इंटीग्रल्स होंगे जिनको हम डिरिचलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो वाले भी इंटीग्रल्स आते हैं ट्रिपल इंटीग्रल्स में। अब इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक बचेगा, तो अगर हम डबल इंटीग्रल की बात करें तो उसमें हमारा चेंज ऑफ वेरिएबल होता है, चेंज ऑफ वेरिएबल होता है डबल इंटीग्रल में, एंड चेंज ऑफ ऑर्डर होता है, ठीक है। और ट्रिपल इंटीग्रल में अगर हम बात करें कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रल्स की, तो डिरिचलेट इंटीग्रल होते हैं इसमें, ठीक है। ये हमारे पास है ना कुछ, मतलब इन डबल और ट्रिपल इंटीग्रल से रिलेटेड कुछ और को टॉपिक्स हैं, और इसके बाद हमारा बचेगा एप्लीकेशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। तो ये लगभग 2 वीडियो और लगेंगे, उस 2 वीडियो और बनेंगे उसमें कंप्लीट हो जाएगा। एक में हम लोग ये कर लेंगे चेंज ऑफ वेरिएबल, चेंज ऑफ ऑर्डर एंड डिरिचलेट इंटीग्रल। सेकेंड वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ है ना डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा जो इंटीग्रल वाली यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो होप ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा, तो आगे और भी क्वेश्चंस बनाइए डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल से रिलेटेड। इसके अलावा इसमें जो भी इश्यूज आ रहे हो, कोई अगर कैलकुलेशन वाला पार्ट कुछ मिसिंग है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।